नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी किसी न किसी मसले को लेकर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोलते नजर आ ही जाते हैं। एक बार फिर से पटना में एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बड़े ही जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोला है और नीतीश कुमार को लेकर कह दिया कि इन्हें पीएम बनने का सपना आते रहता है, यहाँ तक कि ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में दुश्मन के कुनबे में, दुश्मन के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं। चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है और ये पीएम बनने का सपना देखते रह जाएंगे, ऐसा सम्राट चौधरी ने कह दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है और ऐसा क्यों कहा है, चलिए विस्तार से देखते हैं। पटना में एक कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश और लालू पर जमकर हमला बोला और कहा कि लालू के अत्याचार और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में हम जेल चले गए। नीतीश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को रहते रहते प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट लेता है, पीएम बनने के लिए वो दुश्मन के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछली बार नीतीश को जदयू के तरफ से चुनाव में 2 सीटें आई थी और इस बार उनका खाता भी नहीं खुलने वाला। उन्होंने कहा कि 1975 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ गया। वही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अत्याचार के कारण 88 दिनों तक मुझे जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बूढ़े और लाचार हो चुके हैं, आधी बात तो इनको याद भी नहीं रहती। सम्राट चौधरी ने आमिर खान की फिल्म गजनी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे फिल्म में आमिर खान को कुछ भी याद नहीं रहता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी के कारण वह दुश्मन के खेमे में चले जाते थे, ठीक यही स्थिति बिहार में नीतीश कुमार की है। उनको लगता है कि सपने में वो प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं। सवेरे दरभंगा में कह देते हैं कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री था, ऐसा आदमी भला मुख्यमंत्री चलेगा क्या? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश में ऐसा सीएम नहीं चल सकता। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को सुंदर प्रदेश बनाना है, देश में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। आगे वो कहते हैं कि 1975 का क्या दृश्य रहा होगा जब आपातकाल लगाया गया था। 1947 में आजादी कुछ लोगों के लिए थी, लेकिन वास्तविक आजादी 1977 में मिली। 1977 में पहली बार सेक्युलर की बात संविधान में हुई। कश्मीर में 370 जब तक थी तब तक सेक्युलर शब्द ही नहीं था, लेकिन जब 370 हटा तो सेक्युलर शब्द आ गया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार में वो पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही है जिन्हें संविधान की समझ तक नहीं है, पहले वो संविधान को ठीक से समझ तो ले। 1990 के पहले 150% वोट लाना पड़ता था क्योंकि पहले ही बूथ और कैप्चरिंग हो जाता था। आज वो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और वो प्रदेश बिहार था। जब तक राजद की सरकार रही आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन जब बीजेपी की सरकार रही हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया। यानी कि आपने साफ तौर पर सुना कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी ने उन्हीं बातों को दोहराया जो वो पहले भी कई दफे कह चुके हैं। यानी कि वो कई बार नीतीश कुमार की तुलना गजनी फिल्म के आमिर खान से कर चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने उनकी तुलना आमिर खान से ही कर दी है और कहा कि नीतीश कुमार को बस प्रधानमंत्री देखने का सपना आते रहता है, जहां भी जाते हैं कह देते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री। यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री पर भरोसा कर पाना मुश्किल है और जिस तरीके से वो इस वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, स्थिति साफ होती है कि कैसे वो भ्रष्टाचारियों के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं। ऐसा मुख्यमंत्री रहना हमारे प्रदेश के लिए बेहद हानिकारक है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।